हेलो, माय नेम इज़ रणवीर सिंह दलाल। आज इस वीडियो में बात करते हैं पोएम, लास्ट पोएम, क्लास 12th, फ्लेमिंगो, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। थोड़ा पहले पोएट के बारे में जान लेते हैं। एड्रिन रिच, बाल्टीमोर मेरीलैंड यूएसए में जन्म हुआ। वो जानी जाती हैं अपने इन्वॉल्वमेंट के लिए कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट, जो महिला आंदोलन है। फेमिनिस्ट रही थी एक पोएट के रूप में और थियोरिस्ट के रूप में। इस महिला आंदोलन में इनकी मुख्य भूमिका, और पिछले अगर 30-40 साल की बात करें, पिछली शताब्दी के आखिरी 3 दशकों की और अभी प्रेजेंट में भी, तो एक एक महिला आंदोलन ने पूरी दुनिया में एक एक सशक्त रूप लिया है, महिला अधिकारों का आंदोलन। शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, ऐसी 19 किताबें इन्होंने पब्लिश करवाई हैं। 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज एंड अदर राइटिंग्स, ये इनका कंट्रीब्यूशन रहा लिटरेचर की फील्ड में। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट टू रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म एकोज थ्रू हर वर्क, और इनकी इनका जो लेखन है उसमें झलकता है नस्लवाद के खिलाफ एक विरोध झलकता है, और मिलिटरिज्म जो सैनिकवाद है, मिलिट्री को बढ़ावा देने के खिलाफ ये बात करती है लिटरेचर में, उसकी गूंज इसमें मिलती है इनके लिटरेचर में। ये जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये बात करती है एक शादीशुदा महिला जो दिक्कतों का सामना करती है अपने वैवाहिक जीवन के दौरान, जिस तरह का उत्पीड़न सहन करती है, और ये बड़ा ही टिपिकल है हमारे अपने देश में महिलाओं के हालात के लिए। इसी वजह से मुझे लगता है कि इसको इस सिलेबस में शामिल किया गया है, तो बड़ी रेलेवेंट है हमारे अपने कंट्री और हमारे अपने यहाँ महिलाओं की स्थिति की अगर हम बात करें तो। तो क्या इसमें लिखा है, पहले इसको पढ़ते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, ब्राइट टॉपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डील्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। Tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. तो एक उदाहरण के माध्यम से आंट जेनिफर जो कैरेक्टर है, उसके जीवन का वर्णन इस छोटी सी कविता में, किस तरह से उन्होंने शादीशुदा अपने जीवन में कष्ट सहन करे अपने पति की वजह से, अंकल की वजह से, उनकी ज़िंदगी किस तरह से कठिनाइयों से गुजरी, उसकी एक तस्वीर इसमें, इस कविता में खींची है। तो आंट जेनिफर एक ऐसी पीड़ित महिला, अपने शादीशुदा जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में अपने पति का उत्पीड़न उन्होंने सहन किया। तो लेकिन ऐसे उत्पीड़ित जीवन जीने वाली, उत्पीड़न वाला जीवन जीने वाली, कष्टों से भरा जीवन जीने वाली आंट जेनिफर अपने 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 मन, अपने शोषित मन को वो रिलीज़ करना चाहती हैं, अपने आप को व्यक्त करना, जो कि हर इंसान की ज़रूरत है। वो अपनी कलाकारी, अपनी कशीदाकारी के माध्यम से एक पैनल पे एक ड्राइंग वो बनाती हैं, उसके माध्यम से अपने आप को व्यक्त किया है। अपनी सप्रेस्ड जो सोल है, जो पीड़ित मन है, उसको वो व्यक्त करती हैं अपनी इस कला के माध्यम से, अपने इस काम के माध्यम से। तो पहले स्टेंजा में बात होती है आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। एक पैनल के ऊपर उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं, जैसे कि महिलाएं जो है इस तरह के कशीदाकारी का काम, कढ़ाई बुनाई का काम अक्सर किया करती हैं। तो उन्होंने एक पैनल के ऊपर, कपड़े की स्क्रीन के ऊपर, एक इस तरह से टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं। वो आंट जेनिफर के टाइगर्स उनको कहा गया, और वो प्रांस करते हुए नज़र आते हैं स्क्रीन के आर पास, स्क्रीन के एक साइड से दूसरी साइड। तो ऐसा एक तस्वीर उन्होंने, शानदार टाइगर्स बनाए हैं अपने पैनल के ऊपर, और वो रोबीली मुद्रा में है, प्रांस, अटखेलियाँ करते नज़र आते हैं, शरारतें करते नज़र आते हैं, पूरे रुआब में नज़र आते हैं। ब्राइट टॉपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन,
और वो अपनी हरी भरी दुनिया, अपना जो फॉरेस्ट एरिया है, जो हैबिटेट है, उसके वो शानदार बाशिंदे नज़र आते हैं, ब्राइट टोपैज, तो एक एक पीले रंग का पत्थर जो होता है पुखराज टोपैज, तो ऐसे चमकदार डेनिजन जो रहने वाले इनहैबिटेंट्स जिनके कुछ राइट्स होते हैं, तो ऐसे जो है अपनी दुनिया के शानदार ढंग से जीने वाले अधिकार सम्मत, अपनी दुनिया के राजा की तरह शानदार है इनका जीवन, टाइगर्स का इतने रोबीले बनाए हैं, तो कंट्रास्ट पैदा होता है। वो हमें आगे और स्पष्ट होगा कि किस तरह से आंट जेनिफर की अपनी ज़िंदगी और इन टाइगर्स जिस रूप में ये बनाए गए हैं कितना विरोधाभास है, कंट्रास्ट। तो ये जो बनाए हैं टाइगर्स, इनके बारे में फिर आगे बताती हैं राइटर, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। पेड़, एक पेड़ भी बनाया है चित्र में और उसके नीचे कुछ पुरुष खड़े हैं मैन, ये टाइगर्स डर नहीं रहे हैं उन लोगों से, कोई डर नहीं। दे पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी, एलिट्रेशन है स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी, स जो साउंड है, बेशक लेटर्स अलग अलग भी हों, सी एच से भी श की ही आवाज आती है शिवालरिक, तो एलिट्रेशन जो लिटरेरी डिवाइस है उसका इस्तेमाल यहाँ किया गया है पहले स्टेंजा की आखिरी लाइन में। तो ये टाइगर्स रोबीली मुद्रा में नज़र आते हैं, चहलकदमी करते नज़र आते हैं और भरोसे के साथ शानदार चमकीले रोबीले चमचमाते नज़र आते हैं, स्लीक शिवालरिक योद्धाओं की तरह नज़र आते हैं, सर्टेनिटी भरोसेमंद नज़र आते हैं। इन सभी चीज़ों की कमी रही है आंट जेनिफर की ज़िंदगी में, तो कंट्रास्ट उभर के आता है। यहाँ पर टाइगर्स जो है वो पुरुष जाति को के प्रतीक के रूप में भी हैं कि भाई वो इतना शानदार जीवन जो है पुरुषों को नसीब है, महिलाओं के से बिल्कुल एक कंट्रास्टिंग है उनकी ज़िंदगी, एक कंट्रास्ट पैदा होता है, टोटली ऑपोजिट है महिलाओं की ज़िंदगी अपनी दयनीयता में। तो पहले स्टेंजा में इस तरह से बताया कि आंट जेनिफर की क्रिएशन जो है वो कितनी शानदार है जो उन्होंने उसमें चित्रित किया है, बनाया है। अब सेकंड स्टेंजा, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, एक और एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का एग्जाम्पल इसमें, फिंगर्स फ्लटरिंग, फ जो साउंड है उसकी रिपीटेशन है फिंगर्स फ्लटरिंग में, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. अब हालत ऐसी हो गई है आंट की कि जो रोज़ाना का इस किस्म का जो काम है घर का, शायद इतनी सताई गई हैं अपने अपने वैवाहिक जीवन में कि ये साधारण से कार्य करने में भी उन्हें दिक्कत हो रही है। आइवरी जो हाथी दांत की बनी एक सुई है, उसको जो बेस है क्लॉथ का जिसके ऊपर उन्होंने बनाई है ये कशीदाकारी, उसमें से आर पार उसको निकालने में दिक्कत हो रही है, कांप रही हैं उंगलियां, इतनी कमज़ोर हो गई हैं आंट जेनिफर उस शादीशुदा जीवन में, उस वैवाहिक जीवन के परिणाम स्वरूप, उस उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप जो अंकल की तरफ से उन्होंने झेला है अपने जीवन में। दोबारा सुने, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, मुश्किल हो रहा है, खींच नहीं पा रही है कपड़े के आर पार, इतना इतनी ताकत भी इतनी नहीं बची है। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon aunt Jennifer's hand. और वज़न जो है अंकल के वेडिंग बैंड का वो आंट के हाथ में पड़ा हुआ है, यानी हाथ इतना बोझिल है। तो ये एक तरह से जो वेडिंग बैंड, ये सिंबल जो वेडिंग बैंड है, ये उत्पीड़न का सिंबल है, ये सेपरेशन और ऑपरेशन का सिंबल है, ये सफरिंग का सिंबल है, एक्सप्लॉयटेशन का सिंबल है जो झेला है आंट ने इस शादी के नतीजे में, भारी बोझ, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड जो है वैसे तो शादी में जो कंगन पहनाया जाता है वो शुभ होने का प्रतीक है, लेकिन यहाँ पर आंट के लिए वो एक भारी बोझ बन गया है उसके जीवन में। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, ये बोझ बहुत भारी पड़ा है उनके हाथ पे और इसी वजह से उनका हाथ जो है वो चल नहीं पा रहा है, वो एक कमज़ोर, इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि वो सुई को कपड़े के आर पार निकाल नहीं पा रही। तो इस तरह से जो है वेडिंग बैंड एक सिंबल के रूप में पेश आता है, स्पष्ट हमारे सम्मुख आता है इस स्टेंजा में। और लास्ट स्टेंजा की अगर बात करें, व्हेन आंट इज डेड, अब ये जो दूसरे स्टेंजा में एक उत्पीड़न की तस्वीर, एक चित्र उभर के आता है कि आंट जेनिफर की हालत कैसी है
और पहले स्टेंजा में जो टाइगर्स हैं वो बिल्कुल उलट, कंट्रास्टिंग, टोटली ऑपोजिट, वो इमेज एक एक सौंदर्य की, शानदार होने की, और यहाँ पे दयनीयता की तस्वीर उभर के आती है, माइजरी की तस्वीर, इमेज हमारे सामने आती है आंट जेनिफर की, पैथेटिक लाइफ। लास्ट स्टेंजा में की अगर बात करें तो आंट इस उत्पीड़न से निकल नहीं पाएंगी अपनी मौत के बाद भी। When aunt is dead, जब उनकी मौत हो जाएगी, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. उनकी मौत के बाद उनके हाथों पे वो आतंक के निशान, वो शोषण के निशान, उत्पीड़न के निशान बने रहेंगे। Rings, पहले बात की थी band की, यहाँ rings, उंगलियों में rings जो है वो फिर auspiciousness generally symbolize करते हैं, वो शुभ होने के प्रतीक हैं, लेकिन यहाँ पर आंट के लिए वो तकलीफ का स्रोत बन गए हैं, तकलीफ देह बन गए हैं। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. जब आंट की डेथ हो जाएगी तो उसके डरे हुए हाथ वो ऐसे के ऐसे रहेंगे, और उनके हाथों में वो अंगूठी रहेगी, उन मुसीबतों का घेरा रहेगा, मौत के बाद भी उनकी निशानी बनी रहेगी, उन मुसीबत, उन तकलीफों, जो उत्पीड़न उन्होंने झेला पूरे जीवन, उसके निशान बने रहेंगे, उनका घेरा बना रहेगा, रिंग, उनके घेरे में वो कैद रहेंगी, यानी वो एज एक वो रिंग्स जो है वो रहेंगी, नजर आएंगी, और वो रिंग्स प्रतीक होंगी इस बंधन का, इस उत्पीड़न का, उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे इस बंधन। तो किस तरह से जनरली जो अच्छी चीज़ें, जो जो शुभ होने, ऑस्पिशियसनेस के जो सिंबल हैं, वो कैसे आंट की ज़िंदगी में ऑपरेशन के सिंबल बन गए हैं, ये गौरतलब बात है इसमें। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. यहाँ रिंग का एक और मतलब भी है कि गूंज, रिंग, भजना, तो वो जो ये गूंज जो उत्पीड़न की है वो रहेगी आंट, उनकी उनकी मौत के बाद भी वो नजर आएंगे, वो गूंज रहे, यानी उनकी वो जो उत्पीड़न के निशान है वो रहेंगे किसी न किसी रूप में। लेकिन आंट तो मुक्त नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो टाइगर्स जो उन्होंने बनाए, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग, वो अटखेलियाँ करते रहेंगे, वो अपने रौबीली मुद्रा में बने रहेंगे, निडर रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड, निडर रहेंगे, गर्वित रहेंगे, उनका उनका गौरव बना रहेगा, उनका शानदार होने की जो क्वालिटी है, सौंदर्य है, वो बना रहेगा। तो लास्ट वाले स्टेंजा में पहली दो लाइनें बता रही हैं कि किस दयनीयता में रहेंगी आंट, मौत के बाद भी आज़ादी नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन शानदार रूप में जो टाइगर्स, जो उनकी कला है, वो जिंदा रहेगी, उस रूप में वो व्यक्त करेंगे अपने आप को, वो कला जो है। तो यहाँ पर आर्ट की जो परमानेंस है, जो ब्यूटी है, या जो इफेक्ट है आर्ट का और लिटरेचर का, उसकी भी बात एक तरह से कही कि इंसान कैसे अपने आप को व्यक्त कर सकता है आर्ट के रूप में, और आर्ट का क्या दर्जा है, लिटरेचर का क्या दर्जा है, उसकी भी बात होती है। तो कंट्रास्ट लास्ट वाले स्टेंजा में और ज़्यादा उभर के आता है, क्योंकि दोनों ही इमेजेस को साथ में रखा है। पहली दो लाइनों में आंट की जो दयनीय तस्वीर है, पैथेटिक इमेज है, वो पेश आती है, मौत के बाद भी निशान नज़र आएंगे उत्पीड़न के, और फिर उसी के साथ दो लाइनों में टाइगर्स कितने शानदार होंगे और बने रहेंगे, वो हमारे सामने पेश आता है। तो इस तरह से जो है पोएम एक खूबसूरत कंट्रास्ट के माध्यम से बताती है कि महिलाओं की स्थिति क्या है हमारे देश में और पूरी दुनिया में। मोर और लेस अभी भी महिलाएं वो उस तरह की पेट्रियार्की से, पुरुष सत्ता से आज़ाद नहीं है। किस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सामना अब भी, लिंग भेद का सामना है, इनइक्वालिटी का सामना अलग अलग स्फीयर्स ऑफ लाइफ में, किस तरह से जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अभी भी वो असमानता और उत्पीड़न झेल रही हैं। तो ये थी ये पोएम, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर ऐसी बात है तो लाइक बटन को प्रेस जरूर करें, और कमेंट्स भी अगर डालें तो बहुत ही अच्छा है फीडबैक के रूप में, और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ताकि आपको और इस तरह की वीडियोस मिलती रहें।
देखने को फ्यूचर में. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.